नमस्कार साथियों आप सबका स्वागत है उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस में हमारे साथ आज हम एक वैकेंसी की बात करने आए हैं जो वो वैकेंसी इतनी अच्छी वैकेंसी है सर जो यूपीएससी में जेई की वैकेंसी आपने पहली बार सुना होगा ऐसा चीज यूपीएससी में जेई जूनियर इंजीनियर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी हम इसके रिगार्डिंग सारी बातें समझेंगे की नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है क्या क्वालिफिकेशन है बीटेक और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है या ओनली डिप्लोमा एलिजिबल है और इसके साथ साथ हम देखने वाले हैं क्या उसकी डेट है कब एग्जामिनेशन होंगे और क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है इन सभी बातों पर हम आज बात करने वाले हैं तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं मैं खेमंदर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको हर एक-एक चीज एक्सप्लेन करें और आपको बताएं किस तरह से वैकेंसी आई हुई है चलिए जी सर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं बच्चों को कि इस तरीके की वैकेंसी के बारे में बच्चों को पता नहीं चल पाता है क्योंकि यूपीएससी ओआरए के अंडर ये आता है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन के अंदर यूपीएससी की वेबसाइट के अंदर ही ओआरए सेक्शन में ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन में ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड नोटि एप्लीकेशन का जो नंबर है ये ध्यान रख लेना क्योंकि उसी से डिफाइन होता है जब रिजल्ट भी आता है तो वो नोटिफिकेशन नंबर के द्वारा ही आता define है डिफाइन होता है तो यहां पे 07 ऑब्लिक 2023 जी हाँ दोस्तों 07 ऑब्लिक 2023 आपका नोटिफिकेशन नंबर है यूपीएससी ओआरए एग्जामिनेशन ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन में सर अब यहाँ पर होता ये है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है कई कई वैकेंसीज़ में अलग अलग तरीके से आ, कह, कह सकते हैं हम क्वालिफिकेशन मांगते हैं ये लोग तो यहाँ पर हम सीधे चलते हैं अपने मुद्दे वाली, मुद्दे वाली वाल पे, यहाँ पे नंबर वन कुछ अलग वैकेंसी दिख रही है नंबर टू कुछ अलग वैकेंसी दिख रही है जेई की वैकेंसी पर फोकस कर रही हाँ, सीधे चल रहे हैं हम लोग अपनी जेई की वैकेंसी जो द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इन सिविल ब्रांच जी हाँ ठीक है और ये आई है सर अपने पास स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट में ये वैकेंसी आपके पास आई है टोटल वैकेंसी आप यहां पर देख सकते हो कि 58 है इसमें अगर अपन कैटेगरी कैटेगरी वाइज देखें वो अलग अलग तो आपके पास कैटेगरी में एससी में टेन एस टी में फोर ओबीसी में थर्टीन में फाइव और जनरल कैटेगरी में ट्वेंटी और फिर आपके पास एक और तीन वैकेंसी और है मतलब एक एक अच्छी वैकेंसी एक अच्छी, वैकेंसी। वैकेंसी। और अच्छी। ये ये के अंदर आता है जितना सैलरी पैकेज होता है उतना ही इन इंजीनियर्स का भी होगा बिल्कुल बहुत बढ़िया और सर, आगे इसमें थोड़ा सा आगे चले पे स्केल की बात करें तो जैसे सर ने बताया लेवल सिक्स इन पे मैट्रिक्स एज पर सेवन सीपीसी एज इसमें है थर्टी इयर्स आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो सबसे इंपोर्टेंट बात, बात है कि किसे डिप्लोमा वाले भी और डिग्री वाले भी जी हाँ। सिविल ब्रांच में जिन्होंने डिप्लोमा किया वो भी भर सकते हैं या फिर डिग्री किया हुआ है वो भी भर सकते हैं दोनों ही इसमें क्या है दोनों ही ब्रांच के बच्चे भर सकते हैं तो डी ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कभी मत करना हमें कि सर क्या डिप्लोमा वाले एलिजिबल है क्या डिग्री वाले है? तो साफ साफ लिखा हुआ है कि दोनों ही प्रकार के डिप्लोमा डिग्री वाले बच्चे स्टूडेंट इसको फिल कर सकते हैं जी सर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी है क्योंकि बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसके रिगार्डिंग हाँ सर बहुत कंफ्यूजन इसमें रहता है सर। यहाँ पर हमने इसको पूरा पढ़ा है अच्छे से तो यहाँ पर किसी प्रकार के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं लिखी गई है ये भी बहुत बात है। भी बहुत इंपॉर्टेंट कोई किसी प्रकार का एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए इस, इस, इस वैकेंसी में तो आप इसमें फ्री होके भर सकते हैं कि ठीक है कोई एक्सपीरियंस इसमें मांगा नहीं है आई थिंक सिविल वाले बच्चे तो खुश हो गए थोड़ा सा खुश कर देते हैं इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को सर ये उसी सेवन मैंने में वैकेंसी नंबर आपको दे रखा है ये इसमें

बिल्कुल तो पे, पे मैट्रिक्स इसमें भी सेम, सेम रहेगा पे मैट्रिक्स और सेम इसमें भी आपको डिप्लोमा और डिग्री दोनों ही बच्चे इसको भर सकते हैं hmm. तो डोंट वरी आप आराम से दोनों इसको फिल कर सकते हैं सर अगर अपन आगे बात करना चाहेंगे कि सर डेट्स इन द मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये डेट्स की बात तो करना ही पड़ेगा सर hmm. तो यहाँ पर आपको आर इनवाइटेड फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय द सिलेक्शन थ्रू द वेबसाइट तो यहाँ पर सर ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए सर इसमें क्या कुछ भी नहीं है इसमें तो क्लोजिंग डेट दे रखी है सत्ताईस चार की और अप्लाई करना बच्चे शुरू कर सकते हैं आठ चार दो से मतलब आठ अप्रैल से बच्चे इस फॉर्म को भरना शुरू कर सकते हैं यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन में जाएंगे वहां पर आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं मतलब है। सर अभी तक ये अभी तक ये फॉर्म नहीं खुला जिस डेट को हम इसको मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं उस डेट तक अभी तक ये फॉर्म नहीं, नहीं खुला है मतलब कल खुलेगा कल खुलेगा लास्ट डेट आप याद रखिएगा सत्ताइस अप्रैल इसकी लास्ट डेट है तो काफी अच्छा टाइम दिया दिन का समय दे दे दिया करीबन, करीबन आपको दे दिया टाइम आपको आप सबमिट कर सकते हैं ठीक है और याद रखना इन्होंने जो भी दे रखा है वो लगभग डेट ऑफ प्रिंटिंग कंप्लीट सबमिटेड ऑनलाइन फॉर्म आपको लास्ट डेट उसको जरूर प्रिंट कर लेना क्योंकि सर ये मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस भी है होता क्या है कि इस तरीके के एग्जाम्स के बारे में पता नहीं होता है इन्फॉर्मेशन कम होती है तो कई कई बार बाद में समस्या हो जाती है बच्चे का फॉर्म प्रिंट नहीं करते फिर सिलेक्शन होने के बाद भी उनके पास वो प्रिंटेड फॉर्म होता ही नहीं है तो सबसे अच्छी बात है इस टाइप के एग्जामिनेशन में आपको इसका प्रिंट अपने पास रख लेना है हाँ। से जैसे जिस तरह से आपने मार्कशीट को कहीं रखा होगा उसी उन्हीं उन्हीं के साथ इसको भी आप जोड़ लीजिएगा क्योंकि कभी कभी क्या सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद ये चीजें मांगी जाती है सर बाकी इसमें और तो ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज हम नहीं कह सकते लेकिन बच्चों को ये बोलेंगे कि यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड मोस्ट सर पर बात बोली गई है कि इंटरव्यू के बारे में बात करी गई है okay, okay. जहाँ पर भी हम सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर जाते हैं तो इंटरव्यू के बारे में बात कर रहे हैं प्रोबेशन ये सारी चीजें तो आई जाती है से नॉर्मल से है, तो हाँ, है तो ये बच्चा आई थिंक देख सकता है बच्चा समझदार है सारी सारी चीजें तो सर ये आपको यहाँ दे रखा है थोड़ा सा आप इसको कर सर क्या बोला देखो हुआ है सर इसमें एलिजिबल होगा इन पोस्ट के लिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ बच्चों को कि यहाँ पर इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन में इंटरव्यू की बात करी गई है लेकिन सर जितना हमें एक्सपीरियंस है हमें लगता है कि जितनी पोस्ट है टोटल सेवेंटी पोस्ट है तो ऐसा होता है इस इन एग्जाम्स में ये लोग एग्जाम्स भी कराते हैं पहले इन्होंने इंटरव्यू के थ्रू बोला है लेकिन अगर नंबर ऑफ एप्लीकेट ज्यादा हो गए तो फिर हो सकता है एग्जाम भी उसमें करवाए इसलिए आप आप, आप प्रिपेयर रहे एक तरीके से हाँ, और इस फॉर्म फॉर्म को को जरूर भर दे। हाँ, को जरूर, को जरूर भर भर आपको भरना तो सर थी हमारी पूरी से स्टार्ट होंगे और अट्ठाइस से पहले पहले आप उसको प्रिंट आउट निकाल लेना है ये सारी चीजें आपको याद रखनी है आप फॉर्म भरने के बाद भूल जाइए आपके पास इंटरव्यू का कॉल लेटर आ जाएगा इंटरव्यू

गवर्नमेंट है मानते मानते क्योंकि अगर वहां तक ये वीडियो पहुंच गया तो एक तरीके से इंफॉर्मेशन पहुंच गई और बच्चों को भी पता चल जाएगा कि यार जेई की वैकेंसी यूपीएससी के अंदर हां उनकी जॉब लग सकती है एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब उनकी लग सकती है यूपीएससी में जेई यूपीएससी के थ्रू जो जेई निकला है ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है ठीक है नंबर ऑफ पोस्ट भी काफी अच्छी है आप इसे फिल करिए अपनी तैयारी करते रहिए और उत्कर्ष के साथ बने रहिए इसी तरीके से ठीक है हम आपके साथ में सारे की जो भी वैकेंसी आती है हम आपके सामने लेके आते हैं आपको बताते हैं और आपके कुछ कमेंट्स में हम कमेंट्स भी देखते हैं कि हाँ ठीक है बच्चों का कुछ कमेंट्स आ रहा है तो जिन कमेंट्स को हमें बार बार देखते हैं जैसे सर ए, एजुकेशन से रिलेटेड डिग्री डिप्लोमा तो हम यहाँ पहले उसे क्या कर देते हैं क्लियर करने का प्रयास करते हैं दोस्तों और हमारी नंबर ऑफ क्लासेस भी चल रही होती है यूट्यूब पर आप उनके थ्रू भी अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं आज के लिए सर आई थिंक सो इतना ही और कभी अगर नया जो भी वैकेंसी आएगी हम आपके सामने आएंगे आज के लिए इतना ही दोस्तों थैंक यू सो मच धन्यवाद